जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज मैं आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूं। आज मेरी कोई वीडियो नहीं है, आज मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा आपसे। बेसिकली आज 5 अक्टूबर है और टीचर डे के लिहाज से मैं कुछ कहना चाहता हूं आपको। आज मैं अपने उन तमाम उसाज़ा कराम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे केमिस्ट्री के बारे में बताया, 4 लफ्ज़ बताए मुझे केमिस्ट्री के बारे में सिखाए, जो आज मैं बोल रहा हूँ और आप मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरे वीडियोस सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेक्चर से इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं, ये सब कुछ मेरे टीचर की बदौलत है। तो आज मैं उनके नाम लेकर उनका शुक्रिया अदा करूँगा। सबसे पहले प्रोफेसर मसूद नईम साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, अब्दुल खालिक बिंडर साहब का, सर शहबाज़ का, सर रशद का, सर राना खालिद साहब का, सर सरफराज चटा साहब का, मैडम राबेल का, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई, और फिर फिज़िक्स के टीचर हैं सलमान साहब हैं, यूसुफ साहब हैं, मैथमेटिक्स के टीचर हैं अकरम साहब हैं, लियाकत बाजवा साहब हैं, और मेरे इमरान साहब मैट्रिक के जो टीचर हैं, इन सब ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया और बहुत ही अच्छा पढ़ाया। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ इनकी बदौलत हूँ, और मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला मेरे उसाज़ा कराम को ज़िंदगी तंदरुस्ती दें और वो हमेशा सलामत रहें और उनका साया हम पर हमेशा कायम रहे, और मेरी दिली दुआ है। ओके जी, मैंने इतना बयान करना था, और आप भी अपने टीचर्स को रिगार्ड करते रहा करें, आप उनके बगैर कुछ भी नहीं हैं। माँ बाप के बाद या टीचर के बाद, इन ये दोनों पैरेलल हैं मैं समझता हूँ, माँ बाप के बाद टीचर और टीचर के बाद माँ बाप, इन दोनों के अलावा और कोई भी आपके लिए सिंसेयर नहीं है, तो उनके लिए हमेशा दुआगो रहें। ओके जी, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।